वही स्वामी विवेकानंद आज भी उनकी तस्वीर का नियम के जमाने में कितना लोग नौकरी किया हो ये पास करते किसी का फोटो तो है नहीं क्या नहीं है ये होता है ये है क्वालिटी ये परमात्मा ये क्वालिटी दिया है हमारे आपके सबके इस क्वालिटी को विकसित कीजिएगा पढ़ने में मन लगेगा आपको अपने करियर में मन लगेगा और जिस काम में मन लगेगा उसमें आपको सफलता मिलेगी जिस काम में मन नहीं लगेगा फिर आप बस्ता होते रहिए पढ़ना लॉज में सड़ते रहिए इसलिए भगवान का काम और भगवान का काम कभी कभी ऐसा समय आता है कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब भगवान किसी से कुछ मांगते हैं भगवान से तो हमेशा हम लोग मांगते हैं भगवान ये कर दीजिए वो कर दीजिए ऐसे कर देते थोड़ा बढ़िया होता थोड़ा ख्याल रखिएगा नहीं तो इतना तो जरूर ही करते ख्याल रखिएगा ठीक से रखिएगा तो भगवान कभी कभी कहता है अभी भगवान का डिमांड आ रहा है गुरुदेव ने ऐसा कहा गुरुदेव ने ऐसा कहा कि बेटा अभी भगवान मांग रहा है आपसे क्या मांग रहा है आपके पास क्या चीज है तेरे के लिए चलो बेटा तेरे पास जो भी है तू दे दे क्या है गुरु जी हमें तो बोलने नहीं आता कई लोग जाते हैं गुरु जी हमें तो समझाने गुरु जी बेटा तुझे जैसे करने आता है उसे हम लोग को बोलने आता था क्या मैं आपको बताऊं जब स्टेशन पर हम खड़ा होते थे 10-15 आदमी का भीड़ जुट जाता था तो लगे कि आपका हाथ पांव खुल गया आप क्या बोले जब माइक मिला पहला बार माइक से बोलना हुआ तो जब तक गाना बजते रहता था संगीत वाले भाई संगीत देते थे तब तक तो कुछ हिम्मत धक 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 अब जाना पड़ेगा और वो धकधकी लगे एक दो साल तक की बात मैं बता रहा हूँ हमें लगा कि हाथ पांव खुल जाते इसलिए भगवान क्या कहता है आप आगे बढ़ो प्रतिभा आपको देगा वो क्षमता आपको देगा उसके पास सब चीज रखा हुआ है वो तो खोज रहा है पात्रता बैंक के पास आप लोन लेने जाते हैं बैंक को कहते हैं हमें लोन चाहिए बैंक कहता है कि क्या चीज के लिए चाहिए और वो जींस लेना है टी शर्ट और जिलेबी खाएंगे बैंक कहता है इस पागल को धक्का मार देता है बैंक पहले यह समझता है कि लोन किस कार्य के लिए लेगा भगवान भी आप मानते हो आता मानना में कोई रुकावट नहीं लेकिन मानने वाले से पहले देने वाला भी आपसे भी कोई आए कोई भीख मांगने वाला आएगा और उसका दोनों हाथ पांव खूब बढ़िया हो और आप लोग भैया दीजिए ना आप एक बार ऊपर से नीचे देखोगे किसका हाथ ठीक है कि नहीं ठीक है अरे अरे हाथ सब ठीक है पैर ठीक है क्यों भीख मांगता है क्यों मांगता है जब आप इंसान होके ये बात कहते हो तो परमात्मा से हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो फ्री में हमें दे दे क्यों चाहते हैं कि फ्री में दे दे भगवान से एक ही चीज मांगनी चाहिए हे मालिक न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे बस तू रहे और तेरी ही आरजू रहे आपकी आरजू मजा आएगा जिंदगी मजा आएगा और मजेदार व्यक्ति बनिए और मजेदार व्यक्ति जब बनिएगा तो जीवन में आप कहते हैं धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान मैं तो कहता हूं सब पीछे पीछे चलता है सब पीछे पीछे चलता है आज इस देश में कहीं भी जाना हो हम कहां कहां अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं पटना में वो ले दे रहे हर जगह हम अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं आपको आश्चर्य होगा कि इस देश में जहां कहीं भी जाना मुझे रहने का दिक्कत नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट क्लास व्यवस्था मेरे लिए गाड़ी उपलब्ध है हम जहां भी जाए स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है मनीष जी आ रहे हैं गाड़ी से हमको जाना है घूमना है फलाने जगह कहां ये किसने व्यवस्था बनाई इस प्रभाव पर आप जिस उद्देश्य को लेकर भी पटना में आए भगवान करे आपका वो उद्देश्य सफल हो आपको उपलब्ध हो लेकिन ऐसे नहीं उपलब्ध होगा जैसे कि आप सोच रहे आपको अपने अंदर एक गंभीरता लाना होगा अभी तो आपको बचने नहीं आना अब आसमान तांगे का बैंक आप क्यों तैयारी कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं उचक्का है एक नंबर का उचक्का है वो भी देख रहा है शुरू से ही उसकी बढ़त हो जाती है कि इसको क्या होना है बचपन से ही दिखाई पड़ता है आपने नहीं आपने आप है तभी यहां बैठे किसने बुलाया आपको यहां किसने बैठाया कोई सुपर नेचुरल पावर है तो इन दिनों हमारा आपका सबका उद्धार करना चाहता है जीवन में सबको अवसर मिलता है कुछ लोग उस अवसर का लाभ उठाते हैं कुछ लोग यूं छोड़ देते हैं यही समय है इस समय को पहचानिए जो समय को नहीं पहचानता है समय उसे बाद में बर्बाद कर देता है मुझे याद है बीएड कॉलेज में हॉस्टल मुझे याद है सैदपुर छात्रावास मुझे याद है आप क्या बदमाशी करेंगे आप क्या रंगपटाई करेंगे ऐसे ऐसे कर पाओ धमसी होकर से टांगे हम देखे क्यों आए हो भाई कैसे का तैयारी कर रहा है आईएएस का एक
नंबर का लंबर क्वाल इतना क्वालिटी में। आज जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होता। कोई गांव में भैंस ढूंढ रहा है, कोई घाट पर सुता है, कहाँ चले गए, समय को आपने नहीं पहचाना। आपने सोचा ये लंपटा ही सब करते रह जाएंगे, समय बड़ा बलवान होता है। और जब समय फिर कुछ नहीं रहता है आपके पास, इसलिए समय ये टाइम है आपके जीवन का, ये स्वर्णिम अवसर है आपके जीवन का, ये गोल्डन चांस है आपके जीवन का। और इस समय अगर आप मोबाइल में गंदा पिक्चर देखो, आप लड़की के पीछे भागो, अरे भाई मैं तो ये कहता हूं कि आप इतना बढ़िया जॉब नौकरी मिल जाए कि आपके हाथ 10-20 फोटो आवे जुल्म वाले का, और उन जुल्मों में आपको ये नहीं ये वाली नहीं ये वाली, मर्द तो वो होता है, सिर्फ वो होता है